नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन इंडिया टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अंतिम परिणामों का सिलसिला चल रहा है और वो बहुत ही धीरे चल रहा है, तो इसका क्या कारण है और हिंदी और SST का रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैं हर चीज़ आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और क्या आपका रिजल्ट तैयार है, तो मैं हर चीज़ आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ ज्वाइनिंग मिलते तक आप लोगों के साथ रहूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपका इसको कारण बताता हूँ कि मैंने कल RPSC से सूत्रों से पता किया, तो उन्होंने बताया कि हिंदी और SST वालों का रिजल्ट है वो तैयार है और इनका मकसद होली पे निकालने का था, लेकिन कांग्रेस सरकार दुविधा में पड़ गई है क्योंकि जो प्रमोशन और DPC वाले हैं, इन्होंने सरकार को लेटर लिखा है कि उनका प्रमोशन जो नए भर्ती हो रही है उससे पहले उनके उनकी जो पोस्टिंग है वो नज़दीक होनी चाहिए, क्योंकि जब उनकी इनको जब ज्वाइनिंग दे देंगे तो उनके पद खाली नहीं रहेंगे, तो उनसे पहले यानी कि DPC हो रही है तो इनको प्रमोशन मिला है, तो इनको भी नज़दीक पोस्टिंग मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। और वैसे RPSC की तरफ से रिजल्ट आप लोगों का तैयार था और सैटरडे को निकालने की चर्चा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार दुविधा में पड़ गई कि अगर इनका रिजल्ट निकाल लिया तो इनको जल्दी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, इसी वजह से ये आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूँ। तो दोस्तों, ये देख पा रहे हैं, ये राजस्थान माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को एक लेटर लिखा है कि सीधी भर्ती से पहले DPC में पोस्टिंग कराने बाबत, तो उन्होंने लेटर लिखा है कि महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मंगलवार 18 फरवरी को RPSC अजमेर में जोधपुर मंडल की 5 विषयों की बकाया 2019-20 की गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, उर्दू, संस्कृत विषयों में वरिष्ठ अध्यापक पदों की DPC हुई। संगठन का आकलन है कि सीधी भर्ती में चयनित वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और सीधी भर्ती वालों को पहले पोस्टिंग मिलने से विभाग के पुराने DPC से बने वरिष्ठ अध्यापक के लिए इच्छित स्थान नहीं बचेंगे। संगठन का आग्रह है कि DPC चयनितों का RPSC अजमेर से अनुमोदन दिलवाकर पहले पोस्टिंग दिलवा जाए। अन्य मंडल की बकाया वरिष्ठ अध्यापक DPC 2019-20 करवाने के बाबत संगठन का आग्रह है। तो दोस्तों, इस संगठन ने यह आग्रह किया है सरकार से, इसी वजह से आप लोगों का रिजल्ट की कार्रवाई बहुत धीरे चल रही है और आप लोगों का अंतिम परिणाम है वो हिंदी और SST का जारी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये देखो, महेंद्र पांडे महामंत्री है इसे इन्होंने किया है और अग्रिम प्रति श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भी भेजी है। तो इसी वजह से सरकार ये चाहती है कि इनका रिजल्ट लेट निकालें, तब तक इनकी DPC हो जाएगी और इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद ही इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है कि आप लोगों को जो पोस्टिंग मिलेगी, आपको ज्वाइनिंग मिलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जब तक इनकी DPC वालों की पोस्टिंग नहीं होगी तब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, ये देखो, एक लेटर ये और भी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भी इन्होंने लेटर लिखा है कि सविनय निवेदन है कि 18 फरवरी 2020 को RPSC अजमेर शिक्षा विभाग के जोधपुर मंडल की 5 विषयों की बकाया 2019-20 की गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, उर्दू, संस्कृत विषयों के वरिष्ठ अध्यापक पदों की DPC हुई है। तो ये भी इन्होंने RPSC अजमेर को भी इन्होंने लेटर लिखा है दोस्तों, ये देखो आपके 28/2/2020 का लेटर है। तो इसी वजह से आप लोगों का रिजल्ट है वो धीरे आ रहा है और सरकार ये चाहती है कि इन DPC वालों की पोस्टिंग पहले हो जाए, तो इन्होंने सबको ये लेटर दिया है। तो ये इन्होंने अपने दोस्तों को भी लिखा है कि मित्रों, जोधपुर मंडल की 2019-20 की 5 विषयों की DPC काउंसलिंग 13 मार्च को होगी और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर को अनुमति दे दी गई है और मंगलवार 18 फरवरी 2020 को आरपीएससी अजमेर में जोधपुर मंडल की 5 विषयों की बकाया 19-20 की गणित अंग्रेजी विज्ञान उर्दू संस्कृत विषयों में वरिष्ठ अध्यापक पदों की डीपीसी हुई थी। संगठन स्तर से आरपीएससी अजमेर से जल्दी अनुमोदन मंगवाने और सीधी भर्ती से चयनित वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों से पहले इन डीपीसी वालों की पोस्टिंग देने की मांग रखी गई थी। तापी विभाग में कार्यरत अध्यापक से डीपीसी बने वरिष्ठ अध्यापक को पहले इसी तरीके स्थान मिले। शिक्षा मंत्रालय निदेशालय आरपीएससी अजमेर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर सभी को आभार। चयनित को अग्रिम बधाई और अन्य मंडल की बकाया डीपीसी कराने का प्रयास रहेगा। तो ये इनका ये हो गया है और इनको जो डीपीसी वालों को पहले पोस्टिंग दी जाएगी उसके बाद ही आप लोगों की पोस्टिंग की जाएगी। तो दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है, इनका भी फैसला जल्दी होने वाला है और आप लोगों की पोस्टिंग जल्दी मिल जाएगी। और अभी रिजल्ट तो अगले हफ्ते एक निकालेगा, फिर एक हफ्ते निकालेगा, जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी तब ये रिजल्ट का सिलसिला बहुत धीरे चलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।